पंजाब दे विच सिक्ख्या विभाग जिहड़ा है वह एक वक्खरा टॉपिक है जिस दे उत्ते सियासत अक्सर गरमाउंदी रहिंदी है। सिक्ख्या विभाग एक इहो जिहा टॉपिक है जिहदे ते सियासत गरमाउंदी भी नज़र आई है और टिका टिप्पणी हुंदी भी नज़र आई है, पर हुण उस सिक्ख्या विभाग नूं लै के जिथे वख-वख दावे कीते जा रहे सी उत्थे ही हुण एक दिल दहला देण वाली खबर भी सामने आई है संगरूर दे कापतां तों, जिथे सरकारी मैरिटोरियस स्कूल दे बच्चे अचानक हस्पताल दे विच दाखल करा दित्ते गए। रातों रात वड्डी गिणती दे विच सरकारी स्कूल दे बच्चों नूं हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया और ये वापरिया इस करके है क्योंकि उत्थे जिहड़ा खाना सर्व हो रहा है, जिहड़ा खाना बच्चों नूं दिता जा रहा है खाण नूं, उह खाना सही नहीं है। बच्चों ने साफ तौर पर कहा कि असीं पहलां भी किन्नी वार शिकायत कीती सी कि साडे खाने दे विच कीड़े मकौड़े निकलते हैं, सूडियाँ निकलदियां ने, ये हालात ने और खराब खाना जिहड़ा बच्चों नूं सर्व किया जा रहा है। ये साफ तौर पर इल्ज़ाम लाए गए सी सरकारी स्कूल के होस्टलों के उत्ते भी, होस्टलों में भी खाना जिहड़ा वो म्यारी नहीं है, खाने की हालत बहुत माड़ी है, जो कि इल्ज़ाम लाए गए सी बच्चों वालों। पर बच्चों का कहना है, बच्चों के मापियां का कहना है कि उन्होंने शिकायतों के उत्ते, उन्होंने अर्जियों के उत्ते ध्यान नहीं दिता गया, जिसनों लैके लंघे दिन अचानक इसका खामियाजा भुगतना पै गया और बच्चे वड्डी गिणती दे विच सिविल अस्पताल दे विच भर्ती कराने पै गए। बच्चों की सेहत एकदम खराब हो गई, बच्चों नूं हस्पताल ले जाना पै गया, सिविल हस्पताल दे विच बच्चे दाखिल करवाए गए, रातों रात होर बच्चे भी दाखिल करवाए गए। हालांकि जे मौजूदा हालातों की गल करिए मौजूदा हालातों के बच्चे जड़े ने 14 के करीब उन्होंने छुट्टी भी दी गई है सिविल होस्पिटल तो, पर अजे भी कई बच्चे जड़े ने सिविल होस्पिटल ने, संगरूर के सिविल होस्पिटल की गल की जा रही है, उत्थे बच्चों दाखिल करवाया जाता, सरकारी मैरिटोरियस स्कूल का यह मामला दसया जा रहा है जिथे खराब खाना सर्व करन दे कारण बच्चों हस्पताल जाना पै गया। उत्थे ही जे गल करिए संगरूर की तो मौजूदा MLA जड़े ने दरिंदर भराज वो मौके पर पहुँचते हैं, सिक्ख्या मंत्री मौके पर पहुँचते हैं, हालातों का जायजा लिया जाता है, पर उत्थे ही प्रशासन के उत्ते साफ तौर सिक्ख्या प्रशासन के उत्ते सीधे निशाने बच्चे भी तो उन्होंने मापे भी साथ देने। इसे नूं देखते हुए जे गल करिए कैबिनेट मिनिस्टर हरजोत बैंस की, सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस की, उन्होंने वालों मौके के मुताबिक कार्रवाई की गई है और जो कोई भी इस दे विच मुलजम पाया गया सी, जिस उत्ते भी शक जा रहा सी, उस दे उत्ते कार्रवाई भी की है। तो दस दिए जे हरजोत बैंस का बयान सुनते हाँ तो उस दे विच उन्होंने साफ कहा है कि जिहड़ा ठेकेदार सी जिहनूं ठेका दिता गया सी फूड का, उसनूं गिरफ्तार किया गया और उसका जिहड़ा लाइसेंस सीगा वह रद्द भी कर दिता गया। और दूजी गल खबर यह भी सामने आ रही है कि प्रिंसीपल नूं भी सस्पेंड कर दिता गया, मैरिटोरियस स्कूल के प्रिंसीपल नूं भी सस्पेंड किया गया। इसे नूं चलदे क्योंकि काफ़ी बच्चों के मापे जिहड़े ने वो इल्ज़ाम ला रहे सी कि प्रिंसीपल नूं शिकायत दित्ती भी गई सी पर उस उत्ते कोई एक्शन नहीं होया। खैर इस पूरे मामले नूं लैके सरकार जिहड़ी आ उह सख्ती दे नाल काम कर रही है, पूरे पंजाब दे विच 10 मैरिटोरियस स्कूल ने और संगरूर दे घापतां दा मैरिटोरियस स्कूल भी उस दे विचों इक सी, उत्थे इह हालात वापरे ने, इह वारदात वापरी है जिथे रातों रात बच्चे जिहड़े ने उह इन्ने बीमार हो गए कि हस्पताल ले जाना पै गया। और नाल दी नाल जिहड़ा इक होर मामला हरजोत बैंस कैबिनेट मिनिस्टर ने दसिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन्हें बाकी दे भी 9 मैरिटोरियस स्कूल ने उन्होंने भी सैंपलिंग जी वो की जा रही है, उत्थे भी जांच शुरू कर दी गई है। पर सवाल यही खड़ा होंदा है कि जे ये हालात ने तो इहदी जांच रैगूलर बेसिस पर नहीं होनी चाहिए सी, सरकारी स्कूल जिहड़ा कि खास तौर के उत्ते सरकार दे अंडर आउंदा उसकी जांच नहीं होनी चाहिए सी रैगूलर पद्धर के उत्ते। हालांकि मौका रेंदे ही मौके नूं संभाल लिया जाता है, बच्चों की सेहत जिहड़ी है वह सब तो पहला रख के ते अगली कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर हरजोत बैंस पहुँच जाते हैं, मौके पर इलाके के MLA नरेंद्र भराज पहुँच जाते हैं और मौके को सामद्या होया कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। पर इस दे बावजूद भी जो इल्ज़ाम बच्चों ने तो बच्चों के परिवारक मैंबर ने लाए हैं तो उस तो बाद कैबिनेट मिनिस्टर हरजोत बैंस ने जो कार्रवाई की है आओ थानू वो सुना दें। सवेरे DC संगरूर के राही मैं जानकारी प्राप्त हुई कि कल देर रात संगरूर मैरिटोरियस स्कूल के बच्चों वालों फूड पॉइजनिंग की शिकायत की गई, जिस तो बाद 20 बच्चों हस्पताल के एडमिट कराया गया सी। उन्हां विच्चों 16 बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, ठीक ठाक ने बच्चे, 4 बच्चे इस वक्त जेरे इलाज ने जिन्हां की पुरानी मैडिकल हिस्टरी है बच्चों ने, तो गल हुई है शाम तक वह भी स्टेबल ने, शाम तक उन्होंने भी छुट्टी हो जाऊगी। प्रिकॉशन के तौर पर एहतियात के तौर पर असी जिहड़ी मैडिकल टीम है उसनू स्कूल दे विच ही बिठा दिता ताकि कोई भी होर बच्चा शिकायत करे। बच्चे इस वक्त घबराहट की शिकायत कर रहे हैं, पैनिक हो गए ने, तो बच्चों असी फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर सिविल हॉस्पिटल ले जाके चेक करा रहे हैं, पर सारे बच्चे जो जानकारी है सारे बच्चे ठीक ठाक ने इस वक्त।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ SDM ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9 ਹੋਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 10 ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ DC ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ